हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक कोड। एंड टुडेज लीड कोड चैलेंज इज बाइनरी ट्री विथ फैक्टर्स। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एक एरे दे रखा है जिसमें यूनिक इंटीजर्स दे रखे हैं, ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स दे रखे हैं। और तुम्हें क्या करना है, ऐसे बाइनरी ट्री बनाने हैं जिसका जिसका जो एलिमेंट होगा ना, जैसे तुमने क्या करा है, जैसे ये 2 4 है, ये एरे दे रखा है, ठीक है। तो तुम्हें इसके एलिमेंट्स को यूज़ करके ऐसे बाइनरी ट्रीज बनाने हैं जिसमें जो पेरेंट एलिमेंट होगा वो जो है अपने चाइल्ड्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। जैसे ये 4 है तो 4 क्या है, 2 × 2 है ना। और एक एलिमेंट को तुम एक से ज़्यादा बार भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे अभी तुमने मान लो ये होता 2 4 6, तो एक बाइनरी ट्री हो जाता है ना। और इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी बाइनरी ट्री बना लेते, ठीक है, वो ही बोल रखा है, ठीक है। और 6 बना पाता क्या किसी से, अगर यहाँ पे 8 होता तो 2 और 4 का भी हो जाता है ना। तो ऐसे जितने भी बाइनरी ट्री बन रहे हैं इस 2 4 8 के, और कौन सा बनेगा, एक ये भी बनेगा, ठीक है, एक इंडिविजुअल 8 भी बनेगा। तो जो भी पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए ना, वो प्रोडक्ट होना चाहिए अपने अपने चिल्ड्रंस का, अगर चिल्ड्रन है तो उसके, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 2 4 लोग हैं तो इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। तो ये अलाउड है, ये क्योंकि लीफ नोड है ना, बोल रखा है कि जो नॉन लीफ नोड है, जो नॉन लीफ नोड है उनका जो है नोड्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रंस, ठीक है। तो इसको अलाउड है क्योंकि ये लीफ नोड है, इसके लिए इसको अलाउड है, ये 4 हो सकता है। पर ये लीफ नोड नहीं है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको अपने चिल्ड्रंस के प्रोडक्ट के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कितने बाइनरी ट्री बन जाएंगे अगर हमको एरे दे रखा है 2 2 4 8 का, ठीक है। तो ऐसा ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे हम, तो हमने क्या करा ना, बेसिकली देखो अभी ये एरे अज्यूम कर लेते हैं 2 4 2 3 4 5 6 24 30 60, ठीक है। तो अब मैं एक अप्रोच बताता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करा, हम इस 2 पे खड़े हुए है ना, हम इस 2 पे खड़े हुए, तो हमने क्या चेक करा कि 2 × हमने ये आई है हमारा, ठीक है, आई है हमारा। और यहाँ पे हमने क्या करा, आई को फिक्स कर दिया और यहाँ पे हमने जे भी ले लिया, ठीक है। जे हमारा क्या कर रहा है, अब आई जो है जे हमारा जाएगा आई से लेकर पूरे एंड तक, ठीक है, और आई हमारा जाएगा 0 से लेकर एंड तक, ठीक है। तो ये हो गया आई और ये हो गया जे, ठीक है। तो जे हमारा अभी आई से लेकर एंड तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 4 चेक करेंगे, अगर 4 है हमारा, 4 है क्या, हाँ है, आगे है, ठीक है। तो अगर आगे है तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि आगे है, तो हम उससे पहले क्या करेंगे, इस एरे में ट्रैवर्स करेंगे और सबको मैप में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो मैप ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 1, मैप ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 1, मैप ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 1, ऐसे सारे मैप ऑफ 60 कितना हो जाएगा, 1। तो क्या 2 × 2 करेंगे हम, मतलब ARR ऑफ आई इंटू ARR ऑफ जे करेंगे। और ये जो होगा के, क्या के है क्या मैप में, हाँ है, 4 है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 4 है वो पेरेंट एलिमेंट है किसी का, ठीक है, और किसका है, वो 2 2 का है। तो इसका मतलब क्या है कि बाइनरी ट्री बनेंगे हमारे, इससे कितने बाइनरी ट्री बनेंगे, अगर हमारा यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है तो कितने बाइनरी ट्री बन जाएंगे इसके, इसके बाइनरी ट्री बन जाएंगे 4 के, जिसमें 4 इन्वॉल्व है उसके बाइनरी ट्री बन जाएंगे हमारे, जितने बाइनरी ट्री थे 2 के इंटू जित मतलब ARR ऑफ आई के, और जितने बाइनरी ट्री हैं ARR ऑफ जे के इंटू, ठीक है, ये हो जाएंगे बाइनरी ट्री। ये प्लस इक्वल क्यों करा है, क्योंकि एक बाइनरी ट्री ये खुद अकेला भी बनाएगा है ना।
तो ए आर ऑफ आई, आई क्या है, एम मैप ऑफ टू इंटू मैप ऑफ टू, तो ये कितना दे देगा हमको, मैप ऑफ टू कितना है, वन है, और मैप ऑफ टू कितना है, वन है, तो वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा मैप ऑफ फोर कितना हो जाएगा, वन प्लस वन इक्वल टू टू, तो दो दो बन जाएंगे हमारी बाइनरी, जिसमें फोर हमारा पेरेंट होगा, तो दो बन रहे ना ये देखो, ठीक है। तो मैंने यही सोचा कि यार ऐसे करते हैं, तो अभी आगे देखते हैं, आगे और करते हैं ऐसे, ठीक है। जे कहाँ आ जाएगा, जे हमारा आ जाएगा इधर, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, टू इंटू थ्री मतलब ये क्या है, ए आर आर ऑफ आई इंटू ए आर आर ऑफ जे इक्वल टू छः, छः है क्या हमारा, हाँ है, मैप में छः है ना, ठीक है। तो मैप ऑफ छः की वैल्यू कितनी है, वन। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि छः हमारा जो है पेरेंट एलिमेंट बन सकता है, और दो और तीन हमारे क्या हो जाएंगे, दो और तीन हमारे क्या हो जाएंगे, उसके चिल्ड्रन हो जाएंगे। तो इससे कितने बाइनरी बन जाएंगे हमारे, ऐसे अगर होगा तो इसके बाइनरी हो जाएंगे छः वाले के, हो जाएंगे ए आर आर ऑफ आई इंटू ए आर आर ऑफ जे इंटू टू, क्योंकि अब ए आर आर ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दो इंटू तीन इंटू दो, है ना, सॉरी दो इंटू मैप ऑफ दिस, इसके कितने हैं, और मैप ऑफ दिस ए आर आर ऑफ जे, तो मैप ऑफ ए आर आर ऑफ आई मतलब मैप ऑफ टू इंटू मैप ऑफ ए आर आर ऑफ जे, ए आर आर ऑफ जे इज थ्री इंटू टू, तो मैप ऑफ टू इज वन, मैप ऑफ थ्री इज वन इंटू टू, तो ये हो जाएगा दो, और ये हो जाएगा मैप ऑफ सिक्स कितना हो जाएगा, मैप ऑफ सिक्स प्लस ये जो हमने दो निकाला, तो मैप ऑफ सिक्स इज वन, तो ये हो जाएगा तीन, तो तीन बन जाएंगे इसमें, कौन कौन से बनेंगे, ये बनेगा और एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें है ना गड़बड़ देख पा रहे हो तुम, तो इसमें गड़बड़ पता है क्या है, इसमें गड़बड़ ये है कि जैसे तुम अभी इस दो पे हो, ठीक है, आई तुम्हारा यहाँ पे और तुम्हारा जे ये में, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो, दो इंटू तीन छः सर्च कर रहे हो, ठीक है, छः है इधर, है ना, तो छः का आंसर जो है वो किन पे डिपेंड करता है, आंसर ऑफ दो, आंसर ऑफ तीन, क्योंकि ये इसके चिल्ड्रन बनेंगे, है ना। तो अभी हमको इनका तो आंसर सही सही पता है, वन वन, इसलिए छः का आंसर सही निकल जाएगा, पर जब 30 पे आओगे ना तुम, जे को 3 पे ले गए अभी, है ना, जे इधर आएगा फिर, ठीक है, फिर जे इधर आएगा, फिर ऐसे ऐसे करके जे किधर आएगा, इधर आएगा, तो क्या होगा, हाँ, तो 2 x 30 इक्वल टू 60, तो 60 है क्या, हाँ है, तो मैप ऑफ 60 कितना है अभी, वन है, ठीक है। तो हमारा मैप ऑफ 60 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आर ऑफ मैप ऑफ 2 इंटू मैप ऑफ 30 इंटू 2, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो 60 का आंसर हो जाएगा ये, और 60 का आंसर हो जाएगा ये, और 60 खुद, तो मैप ऑफ 2 कितना है, वन है, मैप ऑफ 30 कितना है, वन है, और इंटू टू, पर मैप ऑफ 30 तो पता होना चाहिए था ना कि 30 30 से कितने बन रहे हैं, ठीक है, 30 से भी तो बनेंगे बहुत सारे, 30 यहाँ पे होगा 5,6, है ना, फिर 30 यहाँ पे होगा 5,6, और फिर यहाँ होगा 2,3, फिर 30 यहाँ होगा, यहाँ होगा 5, यहाँ होगा ये, फिर 30 के इतने सारे बनेंगे, ये अपोज तो सही है, पर इसमें 30 का आंसर पता होना चाहिए हमको, मैप ऑफ 30 यहाँ पे वन नहीं होगा, मैप ऑफ 30 का जो आंसर होगा ना वो हमको पता होना चाहिए, है ना, तो ये अप्रोच सही है, ठीक है। तो बजाय हम इंटू करने के, ठीक है, हम इंटू करके ये चीज ढूंढ रहे हैं, हम क्या करेंगे, अब हम इस आई पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, हम इस आई पे खड़े हो जाएंगे, हम दूसरी अप्रोच फॉलो करेंगे, अब ये पहली अप्रोच हमारी फेल हो गई, ठीक है। इस पहली अप्रोच का पहले कोड दिखा देता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि पहले मैंने ये सोचा था,
तो वो दिखा देता हूँ कोड। तो हमने क्या करा, मैंने पहले मैप में डाल दिया, पहले तो सॉर्ट कर दिया था मैंने, ठीक है। फिर मैंने मैप में डाल दिया सबकी वो यूनिक एलिमेंट, जैसे सबको मैप में क्या क्या मिल गया, वन मिल गया सबको मैप में। फिर हम फॉर लूप चलाया आई ज़ीरो से लेकर दिस, जे आई से लेकर दिस, ठीक है। आई यहाँ पे है तो जे हमारा यहाँ से लेकर पूरा एंड तक, ठीक है ना। फिर मैंने क्या करा, इन दोनों को इंटू करा और मैंने मैप में ढूंढा, जैसे मैंने इस टू पे खड़ा हूँ तो 2 × 2 = 4 सर्च करा, क्या 4 है क्या, हाँ है, तो मतलब 4 मेरा पेरेंट बन सकता है, यही मैंने सर्च करा। और ये दोनों अगर इक्वल हैं, है ना, ये दोनों इक्वल हैं तो मेरा आंसर मैंने इसे वे कर दिया, ठीक है, मैप ऑफ के इक्वल प्लस इक्वल दिस। और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इंटू टू, ठीक है, पर ये अप्रोच गलत है ना। फिर मैंने क्या करा था कि भाई मैप ऑफ सब, अब मैंने सबका वो निकाल दिया कि भाई अगर 4 पेरेंट होता तो कितने बाइनरी ट्री बन रहे थे, और 30 पेरेंट होता तो कितने बाइनरी ट्री बन रहे थे, तो उसका सबका सम कर दिया मैंने, ये रिटर्न कर दिया। तो ये रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है, क्योंकि और 4 का आंसर मैं निकाल रहा हूँ प्लस इक्वल करके, है ना, मैप ऑफ दिस ए आर आर ऑफ आई इंटू मैप ऑफ ए आर आर ऑफ जे, ठीक है। तो मुझे जो है ये और ये कि एग्जैक्ट वैल्यू इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 30 के केस में क्या था, मैप ऑफ अगर हम ये 2 को इधर करें और जे को हम 30 पे करें, ठीक है, तो मैप ऑफ 60 कितना हो जाएगा, प्लस इक्वल्स मैप ऑफ 2 इंटू मैप ऑफ 30, ठीक है। पर 30 की तो वैल्यू हमने कैलकुलेट ही नहीं किया अभी, आंसर थोड़ी ना कैलकुलेट किया 30 का। ये अप्रोच सही है, अगर इसका आंसर पता होता हमको 30 का आंसर कितना है, 2 का आंसर कितना है, अगर 2 पेरेंट बनेगा और 30 पेरेंट बनेगा तो ये आंसर हो जाता उसका, पर 30 का आंसर नहीं पता ना हमको। ये अप्रोच तो अब सही थी जब हमको आंसर पता होते थे, ठीक है। इसके लिए क्यों सही आ गया 6 के लिए आंसर, क्योंकि वो था मैप ऑफ 2 और मैप ऑफ 3 इंटू 2, ये था 6 के लिए। तो 6 के लिए क्या हुआ, ये मैप ऑफ 3 जो है वो तो 1 ही होगा क्योंकि वो है प्राइम, है ना, तो इसका तो कोई बनेगा नहीं फैक्टर वैसे भी, तो इसका भी आंसर 1 ही है। तो इसका तो हमको क्या आंसर ही पता था 1 1, इनका तो आंसर ही 1 1 था, इसलिए ये आंसर सही आ गया। पर 30 के केस में हमको 30 का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उल्टा चलेंगे, देखो अब हम जो है ऐसा नहीं करके हम क्या करेंगे, हमने इन सबको तो मैप में तो स्टोर कर ही लिया है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 1 1 तो है ही अभी सबके। अब देखो हम मस्त चीज करेंगे, हम वही दो लूप चलाएंगे बट हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, हम जैसे इस आई पे हैं, ठीक है, इस आई पे हम, तो हम जे को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, हम क्या सर्च करेंगे, हम जैसे ये 6 पे हैं, है ना, ये 6 छोड़ो, ये 30 पे हम, ठीक है, ये 30 पे हैं, हमारा जे कहाँ है, यहाँ पे है सपोज, ठीक है। हम आई को यहाँ पे रखेंगे और जे को हम कहाँ रखेंगे, 0 से लेकर आई, लेस देन आई, है ना, लेस देन आई, आई तक नहीं, आई पे नहीं, लेस देन आई। तो उससे क्या होगा, जैसे हमारा आई यहाँ पे है सपोज, ठीक है, और जे हमारा यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे कि मैप ऑफ ए आर आर ऑफ आई डिवाइडेड बाय मैप डिवाइडेड बाय दिस, क्या ये मैप में है क्या, यानी मतलब 30 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या है, 6 6, ठीक है, है ना। तो हमारा जो आंसर है मैप ऑफ 30 का, वो हमारा क्या हो जाएगा, मैप ऑफ 30 का आंसर क्या होगा, हमारा मैप ऑफ
30/5 इंटू मैप ऑफ ARR ऑफ J, ठीक है। ARR ऑफ J कितना है 5, ठीक है। तो मैप ऑफ दिस में क्या पढ़ा होगा, आंसर पढ़ा होगा मैप ऑफ 6 में, मैप ऑफ 6 का आंसर पढ़ा होगा कि 6 से कितने बन रहे हैं और 5 से कितने बन रहे हैं। तो 6 और 5 से कितने बन रहे हैं हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया होगा, क्योंकि हम आई इधर जब होगा तो हम जे को इधर ही रखेंगे सिर्फ, है ना। जे को 0 से लेकर आई तक रखेंगे, 0 से लेकर लेस देन आई तक, ठीक है। और इस पे जब आई होगा तो हम 0 से लेकर लेस देन आई तक रखेंगे, तो हम ये दोनों कैलकुलेट कर चुके होंगे हम, ठीक है। तो मैप ऑफ 6 जो होगा वो हमारा कितना था 3, इंटू मैप ऑफ 5 जो भी कितना 1, ठीक है। ठीक है, तो मैप ऑफ 30 कितना हो जाएगा, मैप ऑफ 30, एक तो 30 खुद इसलिए प्लस इक्वल कर दिया, ठीक है। तो मैप ऑफ 30 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई। मैप ऑफ 6 कितना है, मैप ऑफ 6 कुछ होगा, ठीक है, शायद 3 ही होना चाहिए, हाँ 3 ही था ना, एक तो ये, एक ये और एक ये, हाँ ठीक है, तो 3 है। इंटू मैप ऑफ 5 जो कि 1, तो ये हो जाएगा 3+1, तो मैप ऑफ 30 कितना हो जाएगा 4। तो हमने ऐसे क्या करा, मैप ऑफ 30 निकाल दिया। अब हम मैप ऑफ 60 जब निकालेंगे तब हम जे को यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। इस पे क्यों नहीं ले जा रहे, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, मैप ऑफ 60 निकाल रहे हो और मैप ऑफ 60 किससे, 60 इंटू मैप ऑफ 1 होना चाहिए, पर ऐसा तो होगा नहीं ना, मैप ऑफ 1 तो है ही नहीं, 1 तो होना ही होगा ही नहीं, तो इस पे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये अप्रोच देख लेते हैं हम, है ना। तो ये अप्रोच हो गई हमारी ये, ठीक है। हमने वही मैप ले लिया, लॉन्ग लॉन्ग ले लिया, ठीक है, सॉर्ट कर दिया, मैप में इंसर्ट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, आई 1 से लेकर चलाएंगे, ठीक है। आई 0 से लेकर चलाने का मतलब नहीं है ना, क्योंकि जे तो क्या है, 0 से लेकर आई माइनस 1 तक है, ठीक है। तो आई 1 से लेकर चलाया हमने, फिर हमने चेक करा कि अगर वो डिविजिबल है ना, डिविजिबल है तो ही मतलब है ना उसका, जैसे अभी यहाँ पे हो तुम 24 पे, तो 24 डिवाइडेड बाय ARR ऑफ जे, ये डिविजिबल होना चाहिए ना, तभी तो मतलब है, ठीक है। और फिर वो मैप में है तो क्या करो, काउंट को बढ़ा दो किससे, दिस इंटू दिस से। अब इसमें क्यों नहीं हम 2 इंटू कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो हम इसमें क्यों नहीं हम वो कर रहे हैं कि भाई इंटू 2 तो करो, इंटू 2 तो करो, जब हम यहाँ पे 5 पे हैं, जे हमारा 5 है, तो मैप ऑफ 6 इंटू मैप ऑफ 5 जो कर रहे हो, है ना, मतलब ये क्या है, ARR ऑफ जे, मैप ऑफ ARR ऑफ जे, और ये है मैप ऑफ ARR ऑफ आई डिवाइडेड बाई ARR ऑफ जे, है ना। तो इसमें क्यों नहीं इंटू 2 कर रहे हो भाई, ये मैप ऑफ 6 इंटू मैप ऑफ 5 है ना, तो इसमें भी तो ये होगा कि यहाँ पे 5 आएगा यहाँ पे, तो इंटू 2 तो करो, क्यों क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि भाई जब जे यहाँ पे है अभी 5 पे, तो ये जे इधर भी तो आएगा, जे इधर भी तो आएगा 6 पे, तब क्या हो जाएगा, मैप ऑफ 5 इंटू मैप ऑफ 6 हो जाएगा ये, तो ये हो गया ना 2 बार ऐड, है ना। तो इसलिए हम इंटू 2 नहीं कर रहे इसमें, तो यहाँ पे है ना सिर्फ ये चलेगा, और यहाँ पे हम मैप ऑफ ARR को के सेकंड को किससे कर देंगे, इसमें इसमें हम डिवाइड करके देख रहे हैं ना, तो हम जो छोटी वैल्यू है वो पहले से कंप्यूट कर रखी होगी हमने, ठीक है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, ये ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे आंसर। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट।